तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है, इफ द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट फोर कंसाइक्लिक पॉइंट और पी इज ए पॉइंट, तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस कर्व पर जो पॉइंट होंगे, यानी इस कर्व इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगा उसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेसिकली। और ये फोर पॉइंट कंसाइक्लिक है, मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ से जो कर्व बनेगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c, 2hxy वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, वो सॉरी प्लस 2hxy अभी रहने देता है, प्लस एल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2hxy, अभी मैं सिर्फ ऐसे के ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये आएगा, अब यहाँ से सर्कल होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट एंड एक्स वाई का कोफिशियंट, इन दोनों का तो इक्वेट कर देंगे और इसका जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो वहां से अपने पास लैम्डा की वैल्यू वन आएगी, और लैम्डा की वैल्यू वन आने के बाद अगर तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ए प्लस एल एक्स स्क्वायर ए प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी प्लस एन टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ प्लस एन टाइम्स वाई प्लस सी प्लस के इज इक्वल टू जीरो बनेगी। यहाँ से ए आएगा, यहाँ से एल आएगा, यहाँ से पी आएगा, और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो कितना आ रहा है, वही ए प्लस एल एफ माइनस बी करेंगे तो ये टोटल मिला के ए प्लस एल ही आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों कोफिशेंट तो यहाँ पर सेम आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर ये एल होगा, एल आएगा ये ए प्लस एल। तो बेसिकली अपने पास ये आ गई इस इक्वेशन। अब इसका सेंटर देखो तो जी प्लस एम दिस एंड एफ प्लस एन दिस है। तो बेसिकली ये जो चीज है अपन को सेंटर की इक्वली दे रखी है, तो अपन को बेसिकली जो सारे पॉइंट होंगे उनसे जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो तो सेम ही होगी। इसको कुछ आर बोल देता हूँ, तो ऊपर अपन को सिर्फ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और नीचे डिवाइड में आर स्क्वायर दे रखा है, तो ये जो रेशियो है वो 3 आ जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।